पार्क को 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विकसित किया गया है और यह लागत ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में जो पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन स्रोत हैं जिनके कारण ऊर्जा की कमी होती है पूरा नहीं कर पाते हैं, उस कमी को पूरा करने के लिए इस सोलर पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। 75 मेगावाट बिजली यहां से पैदा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो इस वक्त उद्घाटन स्थल के मुख्य द्वार पर अपने सहयोगियों के साथ विचार विमर्श करते हुए और अब धीरे धीरे उद्घाटन मंच की तरफ बढ़ते हुए विंध्य की पहाड़ियों पर यह अद्भुत संयंत्र भारत की आने वाली दिनों में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह शुरुआत होगी जब इस संयंत्र के माध्यम से देश के अन्य भागों में भी इस तरह के संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जब देश और प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में इस विकल्प पर यह विकल्प कामयाब होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ते हुए और यह विंध्य की पहाड़ियाँ इस चढ़ते हुए तापमान में थोड़ा सुर्ख भले हो गई हों लेकिन यह खूबसूरत होती जा रही हैं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति दोनों इस पहाड़ी पर मौजूद इस संयंत्र को देखते हुए इस वक्त फोटो सेशन हो रहा है प्रधानमंत्री दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच इस ऊर्जा संयंत्र की छवियों के साथ और साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वह खुशी देखी जा सकती है जब उन्होंने यह संकल्प व्यक्त किया था कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों से हट करके हरित ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत कृत संकल्प है। भारत इस दिशा में अपना पूरा योगदान देने के लिए कृत संकल्प है और जैसा कि कल उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा कि सूर्य हमारे जीवन में अद्भुत ऊर्जा देता है और इस ऊर्जा को संचित करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। यह हरित ऊर्जा देश के विकास में सहयोगी होगी, देश की ऊर्जा की कमी को पूरा करने में सहयोगी होगी और इस वक्त वो इस संयंत्र का उद्घाटन करने के लिए आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति उद्घाटन पट्टिका के समीप हैं और बस अब डोर खींचते ही इस संयंत्र का उद्घाटन हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, ब्रजेश पाठक कानून मंत्री और यह पर्दा हटा और पर्दा हटने के साथ ही यह संयंत्र 75 मेगावाट का सोलर पार्क उत्तर प्रदेश के लिए के लोगों के लिए समर्पित कर दिया गया। 75 मेगावाट बिजली इस संयंत्र से पैदा होगी। फ्रांसी सहयोग से बना यह सोलर पार्क आने वाले दिनों में इस जिले के लोगों के लिए ऊर्जा के जरूरत को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के साथ शिलान्यास पट्टिका के सामने यह फोटोग्राफी आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए संकल्प के अनुरूप बढ़ते हुए कदम अक्षय ऊर्जा के स्रोत की दिशा में और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांसीसी दल के साथ मुलाकात करते हुए और विंध्य की पहाड़ियों पर सबसे ऊंचाई पर यह उद्घाटन स्थल बनाया गया है जहां से दूर दूर तक अगर नजरें जाती हैं तो सोलर पार्क के पैनल्स दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि एक अद्भुत छटा बिखेरी गई हो, लेकिन यह अद्भुत छटा ऊर्जा की अद्भुत छटा है जो
हमें प्राकृतिक रूप से प्रदत्त सूर्य द्वारा उसकी किरणों को समेट करके ऊर्जा के रूप में संकलित करके हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और यह ज़रूरतें जब पूरी होंगी तो निश्चित रूप से इस इलाके के लोगों का रोज़गार बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनकी ऊर्जा की ज़रूरतें पूरा होंगी और इसके साथ ही जो विकास का सपना है वह भी पूरा होगा। मिर्ज़ापुर खास तौर पर देश के उन 115 पिछड़े ज़िलों में से शुमार है जहां पर विकास की असीम संभावनाएं अभी बाकी हैं। जहां के लोगों को व्यवस्था देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्पबद्ध हैं, उन्होंने लगातार उन 115 ज़िलों को विकसित करने के लिए प्रयास करने के लिए अपने मंत्री समूह को निर्देशित किया है। और विकास के इसी क्रम में मिर्ज़ापुर के इस विंध्य के अंचल में विंध्य की पहाड़ियों पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दादर कला मिर्ज़ापुर में स्थापित इस संयंत्र का विधिवत उद्घाटन हो चुका है। 75 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होगा यहाँ पर। इस वक्त दोनों राष्ट्राध्यक्ष लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए लगभग 20 मिनट का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर है। यहाँ से वह सीधे वाराणसी जाएंगे जहाँ दीनदयाल उपाध्याय संकुल में वाराणसी और वाराणसी के आसपास की जो लोक कलाकृतियाँ हैं, जो वहाँ की परंपरागत कारीगरी है, उसका अवलोकन करेंगे। शाम को गंगा के घाटों पर न केवल फ्रांस के राष्ट्रपति गंगा के घाट देखेंगे बल्कि वाराणसी के ठाट को भी देखेंगे। गंगा के घाट और वाराणसी के ठाट को देखने के साथ ही विकास का जो भारत का बढ़ता हुआ कदम है, हरित ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ता हुआ कदम है, सबसे पहले वहां पर पहुंचे हैं। और दादर कला गांव मिर्ज़ापुर का एक छोटा सा गांव, मिर्ज़ापुर शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर यह विंध्य की पहाड़ी पर स्थित गांव आज सुर्खियों में आ चुका है। आज यह हरित ऊर्जा उत्पादन के उस नक्शे में यह इस गांव का नाम दर्ज हो चुका है जो कभी उपेक्षित और अनजानी सी जगह थी। माँ विंध्यवासिनी यहां से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर हैं और वहीं से इस हरित ऊर्जा क्षेत्र के लिए प्रथम संयंत्र का प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हरित ऊर्जा के उत्पादन के लिए और भी संयंत्र लगाए जाएंगे। यह संयंत्र फ्रांसीसी सहयोग से तैयार किया गया है और लगातार लोगों को भी भारत सरकार इस बात पर बल दे रही है कि वो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों पर विचार करें और उसमें ऊर्जा को उत्पादन करने में सरकार की जो योजनाएं हैं उसका सहयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय उद्घाटन स्थल पर यहां के अधिकारियों और फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार विमर्श करते हुए, निश्चित रूप से विचार विमर्श में इस संयंत्र के उद्घाटन की ही बात नहीं, इस संयंत्र से आगे जा करके किस तरीके से आने वाले दिनों में वैकल्पिक ऊर्जा के कार्यक्रम को और तेज़ी दी जाए, किस तरह से और तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी विचार होगा। और आने वाले दिनों में देश के विभिन्न भागों में, प्रदेश के विभिन्न भागों में इस सोलर एनर्जी को संकलित करने के लिए अनेकाधिक प्लांट लगाए जाएंगे जिससे कि ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। और साथ में ही यह ग्रीन एनर्जी, हरित ऊर्जा वातावरण के को भी शुद्ध रखने में सहायक होगी। दोनों राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त पूरे उस सोलर पैनल के क्षेत्र का अवलोकन करते हुए 388 एकड़ में बनाए गए इस पूरे क्षेत्र में जहां तक निगाहें जाती हैं वहां तक ये सोलर पैनल
आच्छादित दिखाई देते हैं। पूरी विंध्य की पहाड़ी की 388 एकड़ की जमीन पर स्थापित है और अब यहाँ पर से प्रधानमंत्री इस संयंत्र के उद्घाटन के बाद यहाँ से विदा लेते हुए, यह एक अविस्मरणीय पल है दादर कला और मिर्जापुर के लोगों के लिए, जब इस संयंत्र का उद्घाटन किया गया, इस सोलर पार्क का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ के बाद वाराणसी जाएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ, और जहाँ पर वह वहाँ के विभिन्न कार्यक्रमों में शरीक होंगे। प्रधानमंत्री का काफिला तैयार है इस वक्त यहाँ से जाने के लिए। 388 एकड़ में फैले इस पार्क का विधिवत उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने किया। 75 मेगावाट की बिजली यहां से उत्पादित की जाएगी। लगभग 1.5 करोड़ यूनिट प्रतिमाह बिजली यहां से पैदा होगी।